अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। बोल बेबी बोल पर आई हैव अ वेरी फैंटास्टिक कास्ट। आज के दिन परीक्षा ये फिल्म जो है अगस्त में रिलीज होने वाली है Z5 पर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव आदिल हुसैन, प्रियंका बोस और शुभम झा हमारे साथ। हाय गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन इन करने के लिए आज इस चैट पर। शुरुआत करेंगे ऑफकोर्स आदिल साहब आपके साथ। काफी चर्चे चल रहे हैं इंटरनेट पर कि भैया क्या फर्स्ट लुक है स्टार ट्रेक का। सर मैं ये कंफर्म कर लूं कि अभी ये जो इंटरनेशनल काम चल रहा है उसके बीच में ये इंडियन फिल्में जो हैं वो छूटेंगी नहीं, ये वादा कीजिए बस। सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं दिल्ली में हूँ और भारतीय फिल्म करके ही मेरी जो भी आपको दिख रहा है वो भारतीय फिल्म के वजह से ही है। और कभी कभार इक्का दुक्का जो है बाहर की फिल्में आते हैं तो हम कर लेते हैं। तो प्लीज नेवर कभी भी ऐसा मत बोलिए कि मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूँ। नहीं, बड़ा मजा आता है जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं, चाहे वो अकूनी जैसी फिल्म हो जहाँ पर आप बस हुक्का गुड़गुड़ाते हुए नजर आते हैं या फिर ये फिल्म हो जहाँ पर इतना कमाल का किरदार है। एक्चुअली इसी से शुरुआत करना चाहूंगी कि ये जो परीक्षा कमाल की कहानी है ये एक ट्रू स्टोरी है। पहले आपसे शुरू करते हैं और फिर प्रियंका तक मैं पहुंचना चाहूंगी इस बात को लेकर कि जब ये एक रियल लाइफ स्टोरी हो तो कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक्टर्स पर कि हमें भी ये एक सटीक तरीके से दिखाना होता है। जी जी जी, पहली बात तो ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि आप मुझे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जैसे तरीका होता है कि मतलब प्रियंका को पहले नहीं बोलने दिया गया और मुझे, तो मैं सीनियर मोस्ट हूं तो शायद ये जायज होगा। आदिल को पता है, आदिल को पता है कि मुझे पहले से कीड़ा हो गया होगा। एंड आदिल आदिल इज वेरी वेरी स्मार्ट। मैं बताती हूँ मैं कहाँ से आ रही हूँ। ये लेडीज फर्स्ट मैं एक्चुअली एक टोकनिज्म मानती हूँ, तो इसीलिए मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपसे शुरू करें। चलो अभी दाढ़ी मेरा देख लीजिए ना, दाढ़ी वाड़ी बाल ये सब देख लीजिए तो बनता है, मेरा बनता है। तो ये कहानी जो है प्रकाश झा जी ने मुझे गुवाहाटी में एक रेस्टोरेंट में लंच करते दौरान बोला, और मुझे तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्यों बोला जा रहा है ये कहानी। मैंने सस्पेक्ट किया था कि एक कुछ किरदार होगा शायद। वैसे प्रकाश झा जी तो मतलब बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं, बच्चन साहब और जो एलिस्टर होते हैं उनके साथ काम करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा कोई कैरेक्टर मिलेगा, तो मैंने सुन लिया ये कहानी। तो उसके बाद फिर जब मुझे कहानी जब वो कह रहे थे मुझे, तो तभी मुझे दिल में बहुत गहराई में कुछ छू गया और मैंने उनको पूछा कहानी खत्म होते ही कि ये सच कहानी है, सच्ची कहानी है, किसी के जिंदगी से है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये कहानी जो है अभयानंद जी जो है उन्होंने कहा है, जो बिहार के एक्स डीजीपी हैं। और कहानी बोलते समय प्रकाश झा जी के आंखों में मैंने आंसू देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गया। तो मैंने कहा कि ये मतलब एक साइन है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कहानी और मुझे आप क्यों बता रहे हैं। तो फिर उन्हें बोला कि ये बुच्ची का जो किरदार है मैं चाहता हूं कि आप करें। तो आई वॉज वेरी मुझे बहुत ओवरवेल्म महसूस हुआ कि अच्छा आप मुझे कह रहे हैं करने के लिए, मैं बिल्कुल ये करूंगा। और सच्ची जो ट्रू स्टोरी में बेस्ड कहानीज होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि उसका स्ट्रेंथ ही कुछ अलग होता है। और उसके बाद फिर जब प्रकाश झा जी से जी जैसे डायरेक्टर्स हैं वो जब मतलब इस किस्म के कहानी को लिखते हैं तो उसका अलग ही कुछ एक दरवाजा जो है उसका बहुत बड़ा खोलता है, ऊंचा खोलता है और किरदार को बहुत ही मतलब 360 डिग्री तरीके से वो दिखाते हैं और मन को छू जाता है। तो मैंने तुरंत कहा कि बिल्कुल करूंगा। उन्होंने पैसे की भी बात करी, मैंने कहा कि यार जो मर्जी दे दो आप मैं कर लूंगा ये काम।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका. आई थिंक ये वाला जो सवाल है कि जब ये एक ट्रू लाइफ स्टोरी होती है, किसी की कहानी होती है, उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है एक एक्टर पर कि कैन वी बी एज ट्रू टू द स्टोरी? क्या ये प्रेशर होता है? प्रेशर तो देखिए, प्रेशर तो बाद में होता है, तो पहले ज्यादातर एम्पथी के साथ आइए पहले, यू नो, बी रिसेप्टिव टू व्हाट इज बीन ऑफर्ड टू यू. एंड स्पेशली अगर ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही एम्फोसिस दिया जा रहा है एजुकेशन पे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये रियल लाइफ स्टोरी पे इंस्पायर्ड है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो जो ज्यादातर मतलब हमेशा इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो हमको इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक एम्पैथी के साथ आइए पहले. और उसके बाद जो प्रेशर है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो लेना ही चाहिए कि अपने अपने हिसाब से, आपने अपने दिल से, अपने दिमाग से ये चॉइस लिया है, तो आप अच्छे से इसको पूरा भी करेंगे. जितनी आप ऑथेंटिसिटी ला सकते हैं, जितनी सच्चाई ला सकते हैं, जितनी गहराई ला सकते हैं, वो कम ही पड़ेगा. पर आपको बस इतनी ट्रस्ट होनी चाहिए कि ये जो सब है, ये जानते हैं क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं हम. और जितने भी फिल्म लवर्स हैं जो वर्ल्ड सिनेमा वगैरह देखते हैं, तो इस कनेक्ट के साथ तो जरूर एक एक्साइटमेंट बढ़ती है. बट आई वांट टू टेक इट टू शुभम एट दिस पॉइंट. शुभम, मैंने एक इंटरव्यू में आपके बारे में पढ़ा था कि आप बड़े इंस्पायर्ड हैं अमिताभ बच्चन से, एंड यू लव हिज ह्यूमिलिटी एंड यू वांट टू ऑफ कोर्स एट सम पॉइंट बिकम एन एक्टर लाइक हिम. टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी. मैं जानती हूँ कि तुम इस फिल्म में ऑफ कोर्स यू नो यू आर प्लेइंग बुलबुल, लेकिन इससे पहले भी आप काफी एक्सपीरियंस रखे हैं कैमरा के सामने, है ना? मैं एक्चुअल में काफी कुछ यू नो कैमरा के सामने पहले कर चुका हूँ, बट वो सब टीवी सीरियल्स एंड एडवर्टाइजमेंट सब थे. तो वो सब मुझे एक्सपीरियंस इयर्स से, लाइक सेकंड स्टैंडर्ड में मैं जब था तब से मेरा करियर बन चुका है इसमें. तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे कैमरे के सामने, आई फील माय सेल्फ, तो अच्छा लगता है. अच्छा मुझे बताओ कि आपके बाबा यानी कि आपके ऑन स्क्रीन फादर से आपने क्या सीखा इस फिल्म के शूट के दौरान? द वे ही एक्ट्स, लाइक जो डेप्थ वो कैरेक्टर में जैसे बोला देते हैं, लाइक हम लोगों ने काफी सीन्स किए थे, तो आई कुड सी द वे ही यूज्ड टू एक्ट, लाइक इट वाज ऑल नेचुरल बेसिकली, नॉट इवन एक्टिंग. तो मुझे काफी अच्छा लगा एंड आई सॉ दैट एंड आई लर्नड दैट. दैट्स सो वंडरफुल. आदिल, आई रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट यू नो लर्निंग फ्रॉम चिल्ड्रन, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें मौके नहीं मिलते हैं बच्चों के साथ वक्त बिताने का. अगर खुद के बच्चे हो तो अलग बात है, लेकिन जब एक सेट पर होते हैं बच्चे, आई फील दैट एवरी एक्टर कैन लर्न समथिंग फ्रॉम अ चाइल्ड. आपने क्या सीखा होगा? पहली बात तो ये है कि बच्चों जब ही किसी भी फिल्म में मुझे बच्चों के साथ काम करना पड़ता है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि उनके अंदर जो इनोसेंस है, उनके अंदर जो स्पॉन्टेनिटी है, वो बहुत ही मुश्किल है. जो बड़े होने के बाद हम उस इनोसेंस को खोने लगते हैं, जो मासूमियत होती है वो उसको हम किसी कारण के वजह से, मतलब आम जिंदगी के जो वेयर एंड टियर कहते हैं उसके वजह से हम खोने लगते हैं. और इस वजह से मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं फेक ना दिखूं उसके सामने. और ये जो एक चैलेंज होता है या जो चुनौती होती है या होता है, असामिया हो माफ कर दीजिएगा हिंदी, तो उसको जब मुझे दिखाई देता है सामने वालों के अंदर, खास करके शुभम जो बहुत ही मतलब ठहराव है उसके अंदर, एंड ही हैज उनके अंदर एक सीखने का आग्रह है, जो मुझे लगता है कि हर एक मैं उम्मीद करता हूं कि वो कभी उसको खोए ना. मतलब जितना जो भी मतलब जैसे ही वो उम्र यू नो आगे बढ़े जिंदगी में और हम जैसे उम्र में आए उसके बावजूद ना खोए, ये मैं चाहता हूँ. तो हमेशा मैं चौकन्ना रहता हूँ कि अरे
ये जो एक स्पॉन्टेनिटी है उसके साथ मुझे मैच करना है मेरी स्पॉन्टेनिटी को। तो ये शुभम जैसे मेरे बारे में बताया कि मैंने सीखा है, वो सीखा, वो शायद मैं इसलिए सामने खड़ा हूँ, इसलिए बैठा हूँ, इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उसने क्या सीखा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी सिंसियरिटी ऑनेस्टी को देख करके। और मैं ये मौका ले लूंगा प्रियंका बोस आभारी मैं हूँ, क्योंकि प्रियंका के साथ ये मेरी शायद दूसरी फिल्म है या तीसरी है, दूसरी होगी नहीं तीसरी फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म हम कर चुके हैं। तो प्रियंका के अंदर जो एक फायर है, जो एक वाइल्डनेस है, जो एक मतलब एक किस्म के जो आग है, और वो स्पॉन्टेनिटी के साथ मतलब उसमें एक लेस है उसके, एक इट इज सॉर्ट ऑफ स्मियर्ड विद स्पॉन्टेनिटी। सो मेरे मेरे तरफ चारों तरफ मतलब आग ही आग था, आग ही आग है। मैं बच के आ गया मतलब और मैं क्या नाम है जो सेट के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर जो वातावरण क्रिएट किए थे डायरेक्टर जी ने, प्रकाश जी ने, वो बहुत बेहतरीन था। और खास करके रिहर्सल के दौरान हमें बताया गया कि आप लोग एक्टिंग मत करिए जब आप लाइन रिहर्स करते हैं, उस जगह पर जाइए, परिस्थिति को समझिए, उसको आत्मसात करिए, उसके बाद फिर आप जो है लाइन बोलिए, डायलॉग बोलिए। तो ये सारे चीजें जो है बहुत ही मदद की, हमें बहुत ही मदद किए हैं, हम कोशिश किए हैं कि जितना हो सकता है हमसे बन पाए। मतलब जस्ट एज एन असाइड, प्रियंका बोस को साड़ी में देखना वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड है, जिसे हम आया है। सो It's true. Shubham, मुझे बताओ कि यार ये फिल्म जो है पूरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। जब आप एक ऐसा स्क्रिप्ट कर रहे हो जहाँ पर कहीं ना कहीं there's a philosophy attached, और क्या आप भी मानते हो कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव लाना जरूरी है? और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ because you're probably the closest, you know, to school, to college. What did you feel? मुझे बताओ। I feel that ये जो मूवी की है इन्होंने, जो परीक्षा है, उसमें जो जिस तरीके से उन्होंने एम किया है एजुकेशन सिस्टम पे, वो एकदम परफेक्ट तरीके से किया, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम में वैसा फ्लॉ है। वो क्या फ्लॉ है वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, बट हाँ वैसा एक फ्लॉ है और उसे चेंज करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Now, Adil, I want to take this question to you at this point. ये जो फ्लॉ है जिसके बारे में ट्रेलर में हमें पता चलता है, ये इतना वियर्ड है क्योंकि आज पूरी दुनिया इसी के बारे में बात कर रही है कि कैसे किसी का बेटा उसी के हदों में रहे, और ये कॉन्वर्सेशन केवल एजुकेशन को लेकर नहीं हर क्षेत्र में आ रहा है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आपको क्या लगता है? बिकॉज आई लुक अप टू यू एज समवन विद अ वॉइस विद एन ओपिनियन, चाहे असम की बात हो, चाहे कोई और इश्यूज की बात हो, आपका एक ट्वीट हमेशा आएगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। What is, इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या कोई तोड़ है, क्या कोई उपाय है, क्या नजर आ रहा है आपको? कुछ दिन पहले से हमारे एक क्रिस्टन और मेरे दो एक बच्चा है जो 10 साल का है, और उसको एजुकेशन लेकर के हम बहुत ही मतलब विचलित है, इस वजह से क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है ऑनलाइन जाना और वो ग्रुप क्लास में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद है उसको, और मना कर दिया उसने। तो इस वजह से हमें स्कूल से बात करनी पड़ी। वैसे ही क्लास के अंदर ही जो 20 जना 30 जना को लेकर के टीचर वहां जाते हैं और लेक्चर या जो भी क्लास करते हैं, वही लोग बोर हो जाते हैं और उसको ही फिर आप ऑनलाइन में कर रहे हैं, तो और भी बोरियत होने की संभावना है। जैसे एक खराब थिएटर आप जब देखते हैं, तो थिएटर अगर खराब है और उसको ही आप रिकॉर्ड करके टीवी में डालते हैं तो और भी खराब हो जाता है। कम से कम जब आप सामने रहते हैं तो एक्टर के एक प्रॉक्सिमिटी होते हैं, एक साथ आप रहते हैं एक्टर के साथ।
तो ये इस किस्म के एक जो आइडिया है एजुकेशन को लेकर के, उसके बारे में मैं क्यों, मतलब हमारे देश में जो बड़े बड़े ऋषि मुनिया पैदा हुए थे, जैसे श्री अरबिंदो, जो बहुत ही रिसेंटली वो उनका देहांत हुआ है, उन्होंने कहा है कि बच्चों को खुल के रखना चाहिए, उनको जो मर्जी उनको सीखने देना चाहिए, उनका हमारा टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के अंदर जो अलग अलग किस्म के गुण हैं उसको ढूंढे कि ये बच्चा जो है किस चीज में, किस विशेष विषय में वो इंटरेस्ट दिलचस्पी रखता है, और ना कि हम एक फैक्ट्री जैसा बनाएं और सबको ये मतलब साइंस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सिखाएं। तो हम बच्चों का जो क्रिएटिविटी है, जो सृष्टिशीलता है, उसको हम मतलब बचपन में ही वी वॉन्ट टू हम उसको मार देते हैं। ये बड़ा सिस्टम का परिवर्तन होने से होएगा, लेकिन जो एक इशू है अभी जो हमारे फिल्म में है, वो इशू भी बहुत जरूरी है। प्राइवेट स्कूल का जो एक मशरूम जैसे पैदा हुए हैं, उसके वजह से टीचर्स जो अच्छे, जो सचमुच पढ़ाना चाहते हैं, जो जो मेधावी है, वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में चले जाते हैं, वहां पैसा भी ज्यादा मिलता है, और सरकारी स्कूल में जिसका कोई मतलब कोई काम नहीं है, जिसका जिसका कुछ और काम जिसको नहीं मिलता है, वो पढ़ाने आते हैं। तो जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं वो पढ़ाते हैं, और इस वजह से हम अपने देश को वंचित कर रहे हैं इतने सारे टैलेंटेड, जैसे बुलबुल जैसा, मतलब मिलियंस बुलबुल होंगे हमारे देश में, उनको हम वंचित कर रहे हैं अच्छा अच्छे एजुकेशन से। और मैं चाहता हूं कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज और हायर एजुकेशन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो और वो सबके लिए फ्री हो, सिर्फ मेरिट उसके होनी चाहिए, और सब 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 लोग जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उनको भी हम जैसा, जिसके पास पैसे हैं उनके बच्चे जैसे जा रहे हैं स्कूल में, उनको भी एडमिशन देने का जो व्यवस्था है उसको डेफिनेटली हमें अपनाना चाहिए। आई डू होप एंड आई डू होप कि इस फिल्म के जरिए ऑफ कोर्स हम एजुकेशन पर एक बार बात कर सकें। एक्चुअली आप लोगों के साथ जुड़ना मेरे लिए एक बहुत ही यू नो आई फील वेरी लकी टू हैव अ ऑडियंस विद ऑल ऑफ यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसी एक फिल्म हमें देने के लिए और हमसे बातें करने के लिए, एंड आई विश परीक्षा ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रोहिणी, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर।